दौसा लोकसभा क्षेत्र पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट इस सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वहीं उनके निधन के बाद पत्नी रमा पायलट और बेटे सचिन पायलट भी दौसा की नुमाइंदगी कर चुके हैं। दौसा लोकसभा सीट पर 6 मई को मतदान होगा। इस बार यहां से भाजपा ने बड़ी ऊहापोह के बाद जसकौर मीणा को टिकट दिया है और कांग्रेस ने विधायक मुरालीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को मैदान में उतारा है। बस्सी से 2 बार विधायक रह चुकी अंजू धानका भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ रही हैं। अनिल जी, बहुत रोचक सा चुनाव नहीं हो गया दौसा का? एक बार तो सारी महिलाएं ही यहां पर हैं, एक बार तो सारी तो नहीं पर हाँ, जो 3 महिलाएं हैं जी, क्योंकि अंजू धानका 2 बार एमएलए रह चुकी बस्सी से, बस्सी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जी, इसलिए वो लड़ रही हैं चुनाव। और सविता मीणा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, मुरालीलाल मीणा की वाइफ हैं जी, और जसकौर मीणा पहले सांसद रह चुकी हैं 2 बार सवाई माधोपुर से, और वो भी किरोलाल मीणा का टिकट काट कर उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ से सवाई माधोपुर से। मजे की बात यह कि डॉक्टर किरोलाल मीणा जो कि दौसा के मीणा वोटों के नायक हैं जी, एक क्षेत्र माना जाता है जिनको, वो बड़े पशुपेश में आ गए हैं क्योंकि हैं तो वो बीजेपी में सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, पर जसकौर मीणा से उनका आंकड़ा 36 का आंकड़ा है, मुरारी मीणा से भी उनका 36 का आंकड़ा है, और वो किस तरफ सपोर्ट करेंगे तो पार्टी के साथ ही जाएंगे क्योंकि अमित शाह की सभा में वो बैठे थे मंच पर, और किरोड़ी सिंह बैसला भी बैठे थे, दोनों किरोड़ी पहली बार एक पार्टी में जी, और पहली बार एक मंच पर। गुर्जर और मीणा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं इस इलाके में, दौसा सवाई माधोपुर टोंक में, वहाँ दोनों गुर्जरों के और मीणा के नेता वहाँ रहे, तो किरोड़ी मीणा की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि मीणा वोट बीजेपी को मिल रहे हैं जी। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मीणा वोटों में मीणा नायकत्व बट गया है, अब किरोड़ीलाल मीणा एक छत्र नायक नहीं है, और प्रसादलाल मीणा लालसोट से एमएलए हैं, उद्योग मंत्री हैं, वो भी एक नेता है, रमेश मीणा जिनकी पत्नी चुनाव लड़ी वो भी एक मुरारी मीणा जिनकी पत्नी चुनाव लड़ी वो भी एक मीणा है, रमेश मीणा भले सपोर्ट रखे हैं उस तरफ से आते हैं लेकिन उन्होंने गुलमा देवी को हराया किरोड़ी मीणा की पत्नी को जी, वो भी एक मीणा नेता है, और बस्ती से जो निर्दलीय विधायक हैं पूर्व डीजीपी वो भी मीणा है, तो ये मीणा नेतृत्व तो कई हिस्सों में बढ़ गया, अब एक छत्र आज किसी का नहीं रह गया, इसलिए ये कहना कि किरोड़ीलाल मीणा मंच पर थे अमित शाह के साथ मीणा वोट सारे बीजेपी को मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मुझे अभी भी ये लगता है कि मीणा बहुसंख्यक वोट कांग्रेस के साथ जाएंगे, ओम प्रकाश हुड्डा जो महुआ से विधायक हैं निर्दलीय, पहले बीजेपी के विधायक थे, उनका टिकट काटा था बीजेपी ने, उनको अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे, उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला, जसकौर मीणा को टिकट मिला, मुझे नहीं लगता कि वो अब बीजेपी का साथ देंगे, और वो अन्य निर्दलीय विधायक राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस सरकार के साथ है 5 साल विकास कराने को लेकर, और वैसे भी चूंकि ओम प्रकाश हुड्डा के बिल्कुल जो प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी या जिनके खिलाफ वो खड़े हुए हैं राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा वो बीजेपी में, इसलिए ओम प्रकाश हुड्डा बीजेपी में जाने का उनका कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, तो वो महुआ के विधायक भी बांदू के विधायक खटाना है वो बिल्कुल राइट हैंड है सचिन पायलट के, और गुर्जर हैं, और मुरालीलाल मीणा खुद दौसा से एमएलए हैं जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, बस्सी से एमएलए निर्दलीय है लेकिन वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, लालसोट के विधायक कांग्रेस साथ दे रहे हैं, चाकसू में आज सभा हुई अशोक गहलोत की तो वहाँ भी कांग्रेस का बोलबाला है, तो इसलिए ये सीट अभी इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में झुकी हुई है जी। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बैटल बैटल असली निर्णायक बैटल किरोड़ सिंह बैसला गुर्जरों के नायक हैं या सचिन पायलट गुर्जरों के नायक हैं, सचिन पायलट यहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनकी माँ यहाँ से सांसद रह चुकी है, उनके पिता 4 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, क्या 6 बार 6 चुनाव जिन फैमिली ने जीते हैं उस फैमिली को गुर्जर नकार सकते हैं क्या, जबकि सचिन पायलट डिप्टी सीएम भी हैं और पीसी चीफ भी हैं और किरोड़ी सिंह बैसला के साथ जा सकते हैं क्या बीजेपी के साथ, एक बैटल तो ये डिसाइड होगी, दूसरी बैटल ये डिसाइड होगी कि क्या किरोड़ीलाल मीणा का ऐसा प्रभाव है कि 4-4, 5-5 विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हैं मीणा समाज के जी, फिर भी वो मीणा वोटों को डाइवर्ट कर लें बीजेपी की तरफ, क्या उनमें परीक्षा मतलब उनकी भी परीक्षा है बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत सारे दूर तक परिणाम देने वाली वो है, नाथू सिंह गुर्जर जो यहाँ से पहले एमपी रहे हुए हैं 2-3 बार 2 बार शायद, और वो बिल्कुल सक्रिय नहीं है इस इलाके में,
उनकी पत्नी बांदीकुई से एमएलए थी, टिकट काट दिया गया तो वैसे निष्क्रिय हैं जी। तो नाथ सिंह गुर्जर की लीडरशिप की कोई परीक्षा नहीं है यहाँ पर, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उनका पत्नी का भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और नवल किशोर शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो यहाँ से जरूर 3 बार सांसद रहे, एक बार उपचुनाव जीते, 2 बार मुख्य चुनाव जीते जी। पर उनका परिवार भी कोई रुचि दौसा की राजनीति में नहीं ले रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सीट पर जसकौर मीणा के साथ बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग या जो साथ हैं वो बहुत बड़ी असेट उनके लिए हो जाए, ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। सीट को कांग्रेस की तरफ झुकावा मानता हूं मैं आज की तारीख में, जितने एमएलए उसके साथ हैं, जितने मीणा नेता उनके साथ हैं, और सचिन पायलट जो कि पीसीसी चीफ हैं, गुर्जरों के नायक भी हैं, वो भी चूँकि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत खुद बांदीकुई जाके आए, कल वहाँ सभा करके आए, तो माली वोट भी काफ़ी है, और माली सामान्यतः गुर्जरों से अलावा है उनकी बांदीकुई में जी। क्योंकि घराना जीते हैं, लेकिन गहलोत जाकर वहाँ समझा कर आए हैं कांग्रेस का सवाल है, शायद मान जाएं लोग माली, तो माली गुर्जर मीणा मुसलमान ये वोट एक तरफ हो गए तो बीजेपी के लिए बहुत कड़ी चुनौती होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो जसकौर मीणा को आप कितना मजबूत प्रत्याशी मानते हैं? नहीं, बेटर हो तो वो तो 2 बार सांसद रह चुकी हैं जी, केंद्र में, और मंत्री रह चुकी हैं, और वो जसकौर मीणा का देखिए उनका कद जरूर है, लेकिन वो आई सवाईमाधोपुर से वहाँ लड़ने के लिए जी, तो परिवार तो रिश्तेदारियाँ सब एक दूसरे की है, सवाईमाधोपुर दौसा कोई अलग अलग दूर नहीं है, लेकिन उनके साथ बीजेपी का वर्कर पॉपअप नहीं कर पा रहा, अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है, उनका ऐसा तारतम्य नहीं है। और चूंकि बीजेपी के वोट तो मोदी के नाम पे पड़ने वाले वोट हैं, वहाँ कैंडिडेट कौन हैं जो वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं? वो मोदी को पड़ रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं पड़ रहे, इसलिए प्रत्याशी या जातियों के शत्रप वहाँ पर भूमिका नहीं निभा पाएंगे जहाँ मोदी समर्थक मोदी भक्त वोट डालने आएंगे, लेकिन जहाँ अभी भी जातिवाद प्रिवेल करता है, प्रत्याशी को देखना, प्रत्याशी के परिवारजन, उसकी ग्रिप पकड़ ये महत्व रखती है, वहाँ पर मोदी की बजाय इन सब बातों का महत्व होगा। और मैं समझता हूँ दौसा में, ये दौसा में नहीं, ये 12 सीटें जो अब जिनमें चुनाव होना है जी, उनमें जाति समीकरण प्रत्याशी ये इनका रोल रहेगा जी, ये अपनी जगह भूमिका अदा करेंगे जी। कुल मिला के दौसा की जो सीट है, यहाँ का जो चुनाव है, वो ये भी फैसला करेगा कि किरोड़ी सिंह बैसला के साथ गुजर जाते हैं कि सचिन पायलट के साथ जाते हैं, और जो किरोड़ी मीणा के जो वोटर है, जो उनका समाज है, वो बीजेपी का साथ देता है उनके कहने पर, या कांग्रेस के साथ जाता है।